आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुजिया बनाना सिखाऊंगी। मैंने देखिए आधा किलो मैदे का पैकेट लिया है, उसको मैंने थाली में पलट लिया है। अब मैं बताऊंगी कि ये गुजिया कैसे बनती है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब हम इसमें मोइन डालेंगे। आमतौर पे गुजिया में घी का मोइन डालो तो बहुत अच्छा बनता है। अब मोइन डाल के हम इसको मिलाएंगे। ये देखिए मोइन डाल रहे हैं, मोइन डाल के इसको मिलाते जाएंगे। इसको अच्छे से मिलाना है। घी का मोइन मिला रहे हैं मैदे में। आप चाहे तो रिफाइंड का भी मोइन मिला सकते हैं, लेकिन घी का मोइन मिलाने से बहुत अच्छी गुजिया बनती है। ये देखिए मैंने मोइन अच्छे से मिला दिया। मोइन की पहचान ये होती है कि ऐसे जब ये लड्डू बन जाए तो समझ लीजिए मोइन आपका अच्छे से मिल गया और मोइन भी सही है। ये इसकी यही पहचान होती है मोइन डालने के बाद। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा आटा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को सानूंगी, मैदे को सानूंगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो गीला हो जाएगा, क्योंकि गुजिया के लिए बहुत गीला मैदा नहीं सानना होता है। ना ज़्यादा बहुत गीला और ना ज़्यादा बहुत कड़ा। बहुत ज़्यादा कड़ा सानने पे गुजिया अच्छी नहीं बनेगी और बहुत ज़्यादा गीला सानने पे भी गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। अब ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिलाऊंगी और खूब अच्छे से तब तक इसको बनाऊंगी, आटे को सानूंगी जब तक से ये गुजिया का आटा मैदा एकदम चिकना ना हो जाए। देखिए अब मैंने ये आटा सान के तैयार कर लिया। मैदा मेरा तेल का डो बन गया है। अब मैं इसे एक वाइट कपड़े से 20-25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि रेस्ट करा के अगर जो है हम गुजिया बनाएंगे तो गुजिया बहुत ही खसखसी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब मैं जब तक सही रेस्ट कर रहा तब तक से मैं भरावन की सामग्री तैयार करके दिखाऊंगी कि हम कैसे गुजिया में भरावन तैयार करते हैं। मैं खोए की गुजिया बनाऊंगी, इसमें मैं खोए की स्टफिंग करूंगी। मैंने कढ़ाई में मोटे तले की कढ़ाई में लगभग आधा किलो खोया डाला है और इसको लगातार चलाते रहना है। अगर ये लग जाएगा नीचे तो इसमें खोए का स्वाद खराब हो जाएगा और जला जला महकने लगेगा। ये देखिए मैं इसको लगातार चलाते हुए भूनूंगी। ये देखिए ये खोआ भून रही हूँ, लेकिन इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। आप चाहे तेज आंच से भूने चाहे धीमी आंच से खोआ भूने, लेकिन आपको इसको लगातार चलाते रहना है ताकि इसको नीचे ये नीचे कढ़ाई में जलने न लगे कढ़ाई में। और आप इसको तब तक इसको भूनिएगा जब तक इसका रंग चेंज ना हो जाए। देखिए खोआ भूनते भूनते कलर चेंज करने लगा है, खोआ लगभग भून गया है। अब मैं इसको उतार लूंगी, इसको जरा नजदीक से दिखा देता। ये देखिए खोए का कलर एकदम चेंज हो गया है। कढ़ाइया भी छोड़ दिया है। अब मैं इसको किसी बर्तन में खाली करूंगी। दो कटोरी मखाना है, एक कटोरी गरी का बुरादा है, एक लगभग पौना कटोरी गरी का लच्छा है, एक कटोरी किशमिश है और एक लगभग एक कटोरी चिरौंजी है। अब मैं इन सबको कढ़ाई में फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद ही मैं इसको इन सबको से डायरेक्ट मिला दूंगी और लेकिन इसको पीसने मिक्सी में पीस के तब मिलाऊंगी। अब देखिए हम फ्राई कर रहे हैं किशमिश और ये दोनों चीज़ इकट्ठे फ्राई कर लेंगे। इससे क्या रहता है कि गुजिया हमारी बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती। अब 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, बाहर भी रखी रहेगी, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, तब भी ये ख़राब नहीं होती। हल्का सा फ्राई करने से मसाले का कच्चापन, मेवे का कच्चापन खत्म हो जाता है और वो
गुजिया को ख़राब नहीं होने देते। क्या होता है कि सबसे पहले गरी में ही फफून लगती है, और गरी अगर गुजिया के अंदर की ख़राब हो गई तो गुजिया भी ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैं सारे मेवे फ्राई करके ही डालती हूँ। ये देखिए, अब ये हल्का सा रोस्ट हो गया है। अब इसी में मैं गरी का बुरादा और गरी का लच्छा दोनों चीज़ डाल के रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए हल्का सा पिंक हो जाए, बस इसको उतार लूँगी। बहुत तेज आंच मत करिएगा नहीं तो जल जाएगा। जैसा ये ब्राउन भी हो रहा है, कलर चेंज हो गया है गरी के लच्छे का और गरी के बुरादे का। अब मैं इसे खाली कर लूँगी। ये देखिए जैसे और पास से दिखा दो। ये देखिए और महक भी आने लगी है। अब मैं गैस का स्विच ऑफ कर दूँगी क्योंकि कहीं ऐसा ना हो मैं खाली करती रहूँ ये नीचे से जल जाए तो हमारी सारी भुजिया ख़राब हो जाए। मैं इसको जिसमें हमने खोआ रखा था उसी में इसको खाली कर लूँगी। तो आप इस तरह से भुजिया बनाइए, भुजिया बहुत ही टेस्टी बनेगी। खाली हो गया, बच्चों के निकाल लेंगे, डाल के पीस लेंगे। ये देखिए मखाना पीसने के बाद ऐसा हो गया है, हमारा मिश्रण भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें पिसा हुआ मखाना मिला देंगे। आधा किलो खोया था, आधा किलो ही चीनी मिलाएंगे और इसमें पिसी इलायची मिला देंगे। वो बर्तन छोटा पड़ा था इसलिए मैं बड़ा बर्तन ले आई। ये देखिए अब इसको हाथ से खूब अच्छे से मिला देंगे ताकि मेवा खोया चीनी और जो मैंने वो डाला है मखाने पीस के वो सब अच्छे से पूरे मिल जाए। अब मैं इसको मिला के दिखाती हूँ मिलाने के बाद ही कैसा लगता है। देखिए मिश्रण स्टफिंग के लिए तैयार हो गया है। सबसे पहले 2 चम्मच मैदा लेके, अगर मैदा ना हो तो आप चावल के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ भी आप भूल से मैदा पूरा आपने मैदे का डो बना लिया है तो आप जो है पानी खाली पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे कुछ ये चिपकाने के लिए, ये चिपकाने वाला पदार्थ बना रहे हैं। ये देखिए बन गया, से लोई काट लूंगी। इसमें कोई भी सूखा मैदा या सूखा आटा नहीं लगाना है, आपको ऐसे ही बेलना है। इसको ना ज्यादा मोटा बेलिएगा ना ज्यादा पतला बेलिएगा। बहुत पतला बेलेंगी तो गुजिया कट जाएगी और बहुत मोटा बेलेंगी तो गुजिया अच्छी नहीं लगेगी खाने में। ये देखिए ये है गुजिया का सांचा। अब मैं इसको इस पे रख दूंगी और जो मैंने मेरा मैदे का घोल तैयार किया उसको कवर करने के लिए चारों तरफ लगा दूंगी ताकि अच्छे से चिपक जाए और जब मैं इसको करूँगी फटे ना। और मिश्रण को अच्छे से भरूंगी। फिर इसको मैं ये जो कटिंग है इसको निकाल के रख दूंगी। ये देखिए आपके गुजिया बनके तैयार।
जी गुजिया बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसको तलने जा रही हूँ। गुजिया हमेशा गीले कपड़े से ढक के रखनी चाहिए ताकि गुजिया सूखे नहीं, क्योंकि गुजिया अगर सूख जाएगी तो आपकी गुजिया तलते समय फट सकती है। रिफाइंड अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप गुजिया तलिएगा। मैं गुजिया डाल के चेक करती हूँ कि गुजिया रिफाइंड हुआ कि नहीं। रिफाइंड हो गया है। अभी देखिए मैं डाल रही हूँ गुजिया, मैं इनको पलट दूँगी। अभी इसमें एक गुजिया और आ जाएगी, इसलिए मैं एक गुजिया और डालूँगी। ये देखिए हल्की लाल हो गई है गुजिया, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये हमारी गुजिया गरम गरम तैयार हो गई। आप भी इसी तरह बनाइए और खाइए। कोई की गर्मा गर्म गुजिया।